स्टार्ट करो फिर स्टार्ट। नमस्कार, मैं नीरज कुमार राठौर, बिजनेस रिपोर्टर घमासान.com। आज मेरे साथ में राकेश मित्तल साहब हैं, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं इंदौर में। आप IMA का इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्क्लेव अटेंड कर रहे हैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। राकेश जी, आपका IMA से जुड़ने का क्या उद्देश्य रहा और ये कॉन्फ्रेंस में आप लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इससे क्या अपेक्षाएँ हैं? देखिए, IMA जो है वो मेरे ख्याल से इंदौर की ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की प्रीमियम मैनेजमेंट स्कूल है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो या कोई भी एकेडमिक्स हो या मैनेजमेंट प्रोफेशनल हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी एक तरह का मैनेजमेंट प्रोफेशनल भी माना जाता है। तो यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है, खासतौर से ये जिस तरह के लेक्चर्स ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें बहुत अच्छे स्पीकर ये लोग बुलाते हैं, और उन स्पीकर्स को उनके सामने सुनना, उनसे डायरेक्ट इंटरेक्शन करना है, तो बड़ी और ये जो कॉन्क्लेव हो रहा है ये इनका हर साल का एक सिग्नेचर इवेंट है। और इस इवेंट में ये कोशिश करते हैं कि जो देश के अच्छे से अच्छे स्पीकर्स को यहाँ पर लेके आए, जिससे कि सुनने वालों को, डेलीगेट्स को, पार्टिसिपेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले। इंतजार करता हूँ इस इवेंट से। जैसा कि चीफ गेस्ट ने बताया, अमित साहब ने भी बताया और किर्लोस्कर संजय जी किर्लोस्कर साहब ने बताया कि आजकल डिजिटलाइजेशन काफ़ी हो रहा है, डिजिटल इकोनॉमी, कैशलेस पेमेंट की ओर इंडिया स्पीडली बढ़ रहा है। तो क्या इससे इंडियन इकोनॉमी पे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? बहुत पड़ेगा एक्चुअली। जितना आप डिजिटल फॉर्म में जाते जाएंगे उतना करप्शन को आप कम करेंगे। जो भी सिस्टम, एक बार आपका सिस्टम बन जाता है, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से आप यदि सारे व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, तो किसानों में बहुत ज़बरदस्त फर्क पड़ता है। क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो अभी तक लाइमलाइट में नहीं है या प्रोसेस के अंदर नहीं आता है, वो इसके कारण उनकी मजबूरी है कि वो भी इसको फॉलो करें। और जो छोटी छोटी कंपनियाँ हैं, जो मीडियम वो भी धीरे धीरे डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जुड़ रहे हैं, क्योंकि अधिकांश ट्रांजेक्शन भी डिजिटली होते जा रहे हैं। जो सरकार के रेवेन्यू कलेक्शन में, सरकार के टैक्स कलेक्शन में, और इसमें बढ़ोतरी होगी और उसके कारण इकोनॉमी भी बूम करेगी। जैसा कि हम देख रहे हैं, इंडिया में सर्विस बेस्ड इकोनॉमी बहुत स्पीडली ग्रो हो रही है। आज से 40 साल पहले इंडिया एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी था, GDP में एग्रीकल्चर का मेन योगदान था, जो कि धीरे धीरे घट रहा है और घटते घटते अप्रोक्सीमेटली 30% पे रहेगा। और सर्विस बेस्ड इकोनॉमी, जैसे सिंगापुर में सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है, तो हम सर्विस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ स्पीडली बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या इसका भी हमारी इकोनॉमी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। कोई भी सेक्टर यदि ग्रो होता है तो उसका इकोनॉमी में पॉजिटिव इम्पैक्ट तो पड़ना ही होगा। और सर्विस इंडस्ट्री हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है। इसका एक कारण तो ये है कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा युवा पॉपुलेशन है भारत के अंदर, और पढ़े लिखे युवा भारत में बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो बाहर से पढ़ के आए या हमारे देश में। मतलब एक एजुकेशन का बहुत अच्छा माहौल है भारत के अंदर। तो आज की तारीख में हम सिलिकॉन वैली में या वर्ल्ड के IT सेक्टर के अंदर हमारे यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी आपने जो कुछ लेक्चर्स नहीं दिया, आप अंदर बैठे होंगे, तो मोहन जी ने भी बताया था और दूसरे स्पीकर से उन्होंने भी बताया कि जैसे TCS का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, निमेश शाह जी ने, निमेश शाह जी ने, कि आज की तारीख में वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बड़ी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में से वो एक है। शायद ही दुनिया की कोई बैंकिंग सेक्टर ऐसा होगा जिसके अंदर की TCS की सर्विसेज यूज़ नहीं की जा रही। IT सेक्टर का बूम जो भारत में हुआ और सर्विस सेक्टर का बूम हुआ, इससे हमारी इकोनॉमी को, जो अभी हम बोल रहे हैं कि 3 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, तो शायद वो सर्विस सेक्टर ही लेके जाएंगे। आपने घमासान.com के लिए अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे।